जब आपको मौका मिला तो आपने फरमाया कि अंतुम तुराबा मादार, मैं तुम्हें वही बात कहता हूँ कि जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों को कही, ला तफरीक अलैकुम अल्यौम, आज तुम्हारे ऊपर कोई ब्लेम नहीं, तुम्हें तमाम माजी के जो तुम्हारे मामला रहे हैं उस पर दरगुजर किया जाए, खैर मामूली माफ कर दरगुजर कर। आपके अंदर एक और खूबी थी जो आम तौर पर आप ऐसे नहीं देखते कि आप उसको कोई नोटिस करें, लेकिन वो इंसान के अंदर की डेप्थ होगी जिसको हम अपनी जबान में शायद ज़र्फ कहते हैं। इंसान का ज़र्फ अगर होता है तो वो आला किरदार का इंसान होता है, और अगर उसका ज़र्फ नहीं होता तो वो फिर आला उंगलियों वाला नहीं हो पाता, वो माफ नहीं कर सकता, वो अपनी तारीफ करेगा, वो लोगों के सामने अपने कारनामे बयान करेगा। ज़र्फ की कमी है, थोड़ी बहुत अचीवमेंट हो गई तो मालूम हुआ कि सारी दुनिया की मुसीबत आ गई, उनको आप सुना रहे हैं कि मैंने ये किया और मैं फला जगह गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामला ये था कि सर्फ आपके अंदर की अखलाक की डेप्थ इतनी ज़्यादा थी, कोई आदमी जो बजाय उसकी कोई हैसियत नहीं ना, वो भी अगर कोई बात ऐसी करता कि जिस पर आप चाहते तो गिरफ्त कर लेते, आप नहीं करते। यानी कहते हैं कि एक शख्स ने ऐसी ज्यादा की आप के फोन की नुकेल को पकड़ के, और उसने बहुत ज़्यादा सुनानी शुरू कर दी इस बात पे कि मैंने जो कर्ज दिया था, और जाहिर है कि वो आप गरीब लोगों के लिए लेते थे साथियों के लिए, वो वापस क्यों नहीं किया। और सहाबा कराम ने कहा कि ये क्या बदतमीजी कर रहा है शख्स, तो आपने फरमाया नहीं, जिसने कर्ज दिया उसका फिर हक तो बनता है कि वो बात करे। जाहिर है कि ये वो चीज़ है कि जो इंसान इतने बड़े मकाम और रुतबे पे पहुंच जाने के बाद भी इसलिए कर पाता है कि उसके अंदर अपनी ज़ाती अना दूसरों के मुकाबले में अपने आप को बढ़कर समझना इसकी कोई खूब नहीं। आपके अंदर बड़ी हिकमत, हिकमत का भी आला तरीका था, यानी मामलात को ऐसे सरंजाम देना कि उसमें दूसरे लोगों के लिए ये सबक हो कि उनको अगर कोई दीन का काम करना है तो ये उनके लिए कोई मुश्किल नहीं, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी को फितरी तौर पर करना चाहिए। ये बात कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज नमाज के अलावा नमाज़ें अपने घर में गुजरा मुबारक का पढ़ते थे, ये बात कि रमज़ान मुबारक में आपने अगर नवाफिल के लिए लोगों को इनक्रेज किया तो तब भी आपने इसका अहतमाम किया कि दो तीन रातों से ज़्यादा आप निकल के ना लोगों के सामने पढ़ें। मुबादा ये भी लोग ये समझें कि ये भी कोई इजाफी उनके ऊपर जिम्मेदारी है, यानी दीन की प्रेजेंटेशन में आम लोगों के लिए आपने सहूलत को फराहम किया और किसी को असल उसूल रखा। समाज में क्या होता है कि ये किरदार और इस किरदार की पुख्तगी और उसमें इतने आला मयारात ये कैसे पैदा होते, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये होता है कि आप आला तरीन फितरत पर पाए, आपको अल्लाह ताला ने जो फितरत दी थी आपने उसको मजीद खुद निखारा। हर इंसान के लिए ये इम्कान मौजूद है, हमें अल्लाह ने अच्छी फितरत पर पैदा किया है, लेकिन इस फितरत के साथ साथ हमारे लिए आजमाइशें हैं, हमारे सामने टेम्पटेशन है, लालच है, दुनिया मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ रंगों में मुख्तलिफ शक्लों में हमारे सामने आकर हमें अपनी तरफ मायल कर। वो शख्स के जो अपनी नेचर को प्रिजर्व करता है और सही और गलत में इम्तियाज करने के अमल को कदम कदम पर इख्तियार करता है, तो अल्लाह ने ये कानून तय किया हुआ है कि ऐसे लोगों को वो उनकी फितरत में बेहतर से बेहतर मकाम पर पाए होने का मौका देगा।
और उनके लिए मुमकिन बनाया। चुनांचे नबी अकरम अपनी फितरत के लिहाज से भी पाकीज़ा तरीन इंसान थे और पाकीज़गी के आला से आला तर मकाम को हासिल करने में हर वक्त तरगुदों करते। ताहम आपकी तरबियत कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बड़ा रास्ता आप जिंदगी गुजारते हैं, आपके साथ वाकयात होते हैं और आपको अल्लाह की तरफ से उन वाकयात में मजीद हिदायत और रहनुमाई। आप अगर मुझसे ये पूछें कि ये जो कुरान मजीद है पूरे का पूरा सारे के सारे कुरान मजीद के कंटेंट्स का उन्वान क्या है, तो हकीकत यह है कि ये अल्लाह ताला का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है और आपको रहनुमाई दी गई है और उसका एक हिस्सा हमारे लिए। मगर जो रहनुमाई बराह रास्त सारी की सारी वो आपके लिए पुराने मजीद में बाद ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह ताला बात करते करते रुक जाते हैं, हुजूर के दिल में ख्याल होता है उसका जवाब दे और मालूम होता है कि कदम कदम पर रहनुमाई हो रही है। मैं आपके सामने इसके मिसाल के लिए एक सूरह मुबारका पेश कर रहा हूँ। सूरह मुबारका से आप ये ना समझे कि बहुत लंबी सूरत है, सूरह मुख्तसर है लेकिन इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह से कुरान मजीद ने रहनुमाई की है उसकी एक मिसाल में आपको जो उम्मीद है सभी को याद होगी। सूरह अद्दुहा अल्लाह ताला का इरशाद है और बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ये जो कसम होती है कुरान मजीद में ये कसम दरअसल गवाही के लिए होती है। मैं और आप जब कसम खाते हैं, वैसे तो हमें कसम खाने की इजाज़त नहीं है, हम अगर खाएं भी तो अल्लाह की कसम खा सकते हैं। तो अगर फर्ज कीजिए कि मैं ये कहूँ कि अल्लाह की कसम मैंने कल खुद देखा कि वो साहिब पाकिस्तान आए, तो मैं असल में जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि अल्लाह गवाह, यानी अल्लाह ताला तो मौजूद है, तो जानता है, मैं उसकी गवाही पेश कर रहा हूँ। तो जाहिर है कि अल्लाह ताला को किसी की गवाही किसी की कसम खाने की ज़रूरत इस तरह से पेश नहीं आएगी कि कोई बहुत बड़ा है और उसकी कसम खा के वो इस गवाही को पेश करे। तो अल्लाह ताला जहाँ कहीं भी कुरान मजीद में कसम खाते हैं उससे मुराद होती है गवाही, दलील, शहादत। गवाह है चाश्त गवाह जब दिन चढ़ जाता है और गवाह है रात के जब पुरसकून हो जाए। माँ बरदा आकर तो गवा कला के आपके आपके रब ने ना आपको छोड़ा और ना वो आपसे बेदार हुआ। ये दर हकीकत उस जमाने की बात है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती अव्वल अव्वल और आपके लिए लोगों के सामने अल्लाह के पैगाम के पेश करने के लिए भी और खुद अपने इत्मीनान और एतमाद को बढ़ाने के लिए भी। अल्लाह की वही अल्लाह का कलाम ही है कि जो आगे आपकी रहनुमाई करता और आपको मजबूत करता। हुआ ये कि कुछ देर के लिए वही का ये सिलसिला रुक गया और जाहिर है कि फितरी तौर पर आपको इस पर परेशानी थी। आप हर वक्त वही इलाही के मुंतजर रहते क्योंकि ये आपके लिए सबसे बड़ी नेमत अल्लाह के साथ रब्ता अल्लाह का कलाम। और जाहिर है कि दुश्मनों ने भी कुछ एतराज करने शुरू कर दिए, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि आपके रब ने नाउज़ुबिल्लाह आपको छोड़ दिया है, आपसे नाराज हो गया है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि गवाह है चाश्त का वक्त दिन का कि जब वो चढ़ जाता है और गवाह है रात के जब वो सुकून हो जाती है कि आपके रब ने ना आपको छोड़ा और ना ही वो आपसे बेदार।
यानी यानी ये कि देखो, जैसे दिन की रोशनी जब वो नुमाया होती है, इंसान की जिंदगी और उसके मामूलात को मुमकिन बनाने के लिए जरूरी है, वैसे ही रात का अंधेरा भी जरूरी होता है कि जब वो छा जाता है। जिंदगी दोनों चीजों से मामूल है, दिन के उजाले से भी और रात के अंधेरे से भी। जिंदगी में दुख भी होते हैं, वो भी जरूरी है, और जिंदगी में सुख भी होते हैं, वो भी जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान के ऊपर एक ही कैफियत आए। अगर आपके ऊपर सारा वक्त वही नाजिल होती रहे और वही कैफियत रहे, तो फिर वो जो किरदार के अंदर मजबूती है, वो जो इंतजार में जो सब्र है, वो जो उसके अंदर एक इंसान के लिए अखलाक में पुख्ता होने का इम्कान है, वो नहीं पैदा होता। तो जिंदगी में अल्लाह ने जो दुनिया बनाई है उसमें उसूल ये रखा है कि जहाँ दिन है वहाँ रात है, जहाँ है मेरे पैगंबर मेरे महबूब वही आएगी, वहाँ कभी कभी आप पर वही नहीं गया। सो मेरा दुनिया का बनाने का ये उसूल और इसकी ये शहादतें इस बात पर गवाह है कि पैगंबर ना आपको आपके रब ने छोड़ा और ना ही वो आपसे पैदा हुआ। वाला और यकीनन बाद में आने वाला दौर आपके पहले दौर से बेहतर होगा, यानी अल्लाह की तरफ से आपको एक इत्मीनान दिलाया है। भले सब फयोटी का रबू का फवरदा और अंतरीब आपका रब आपको अता फरमाएगा, तो आप मुतमिन हो जाएंगे, आप निहाल हो जाएंगे। अब ये वादा करने के बाद अल्लाह ताला ये समझा रहे हैं कि ये क्यों नहीं होगा, ये होगा इसलिए कि क्या ऐसा नहीं हुआ कि अलम यजिद का यतीमन फआवा, क्या उसने आपको यतीम पाया तो ठिकाना ना दिया। पहले भी तो ऐसे ही हुआ, यानी इंसान अपने रब के साथ जो मामला करता है और उसके वादों पर मुतमिन होता है, उसका एक बड़ा अहम तरीका यह है कि भाई माजी में तो ऐसा हो, जिस रब ने मुझे कल संभाला था वो मुझे आज क्यों नहीं संभालेगा, और वो कल मुझ पर मेहरबान क्यों नहीं होगा। तो फरमाया कि क्या अलम यजिद का यतीमन फआवा, क्या उसने तुम्हें यतीम पाया तो ठिकाना ना दिया। वजदका दाल्लन फहदा, और क्या उसने आपको जब चुयारे राह हिदायत का मतलाशी पाया तो राह दिखाई। ये जाहिर है कि रेफरेंस है उस जमाने का कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पाकीज़ा फितरत के साथ इस कायनात के राज रमूज पे गौर करते और जाहिर बड़े सवाल पैदा होते कि आखिर मुझे क्यों बनाया गया है, किसने बनाया है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, उस बनाने वाले की वो सिफात क्या है जिनको कि मैं याद करूँ, उनकी बुनियाद पर मैं उसके करीब आऊँ। और मज़ीद तफसीलात तो जाहिर है कि आपके अंदर जब इसकी तलाश थी तो अल्लाह ने आपको हिदायत दी। वजह आयन पागना, और क्या उसने आपको मोहताज पाया तो गनी नहीं किया। ये सब बातें बयान करने के बाद फरमाया कि फिर चुनाचे अमल यतीम फला तफ़र, जहाँ तक यतीम का ताल्लुक है तो उसको मत दबाओ। यानी ये बताया ना कि एक ज़माने में आप भी यतीम थे और अल्लाह ने आपको ठिकाना दिया, अब आपको मौका मिला है कि आप यतीमों के सर पर हाथ रखें और उनको नरमाएँ। मोहम्मद साहेला फला तफ़र, और जो साहिल है उसे मत छिड़को। सवाल दो तरह के होते हैं, एक सवाल होता है कि आपसे कोई पैसा मांग रहा है, और एक सवाल ये होता है कि आदमी बेचैनी से आपसे पूछ रहा है कि मुझे दीन की बात समझाएं। मेरा इस सवाल का सवाल मुझे ईमान की ये बात समझ में नहीं आई, ये आप दीन का ये अंडरस्टैंडिंग बयान कर रहे हैं मगर इसकी ये उलझन है। असल में ये बात बयान की इसलिए कि अगर आप तरतीब से देखें तो पहले हुजूर की यतीमी का हवाला देकर तो फरमाया कि यतीमों को आप ना दबाइए, फिर ये बताया कि आप खुद हिदायत के मुतलाशी थे तो आपको हिदायत मिली, तो अब आपके पास अगर कोई हिदायत लेने के लिए आए तो कभी नहीं मिलेगा। सवाल करें इसका जवाब देगा हुजूर इसका बेहतरीन नमूना। मैंने अभी आपके सामने एक मिसाल पेश की, एक शख्स साहब ने मेरे सवालों पर जवाब दिया, आपने खुतबा छोड़ दिया, उतर गए और
सवाल का जवाब दिया, इसलिए कि असल में आपकी जिंदगी में खुद अगर वो मरना आया होता है कि जिसमें आपको ये एहसास होता है कि ये कितनी अहम बात है, इसकी जरूरत कितनी शदीद है, तो आज भी फिर दूसरों को भी देता है। और फरमाया कि अम्मा की नमत रखने का महत्व और अपने रब की नेमत उसको बयान करो। ये अगर आप तरकीब से देखें तो आखिरी बात ये कही गई थी कि वजह था कहा हमने आपको मोहताज पाया तो गनी नहीं किया, मोहताजी भी तो उतरा चुकी, एक माल की होती है उसका गुजरा चुका, वो तो आप यतीम थे अल्लाह ताला ने ठिकाना दे दिया, और जाहिर है उसके बाद हिदायत की बात के बाद तो मोहताजी से मुराद दर हकीकत दिल के अंदर की वो ख्वाहिश है कि वो गनी हो जाए, वो बेनियाज हो जाए। तो अल्लाह ने आपको बेनियाज, अल्लाह ने आपको इस चीज का ख्वाहिशमंद पाया कि आपके अंदर किसी चीज के लिए कोई हाजत न रहे और आप बेनियाज हो जाए दुनिया के मामला से, जरूरतों से, उन ख्वाहिशात से कि जो एक आदमी आमतौर पर दुनिया के मकसद को समझ न समझने की वजह से उसमें मुबतला होता है। तो फरमाया कि अम्मा की नेमत रब्बे का महदिस और अपने रब की नेमत को बयान करो, यानी ये जो अल्लाह ने आपको गनी किया है, जो दीन दिया है, ये जो आपको हिकमत दी है या फैला दें लोगों तक पहुँचा। सच्ची बात है कि मैं खुद जब इसको समझता हूँ पढ़ता हूँ तो आदमी कहता है कि क्या शानदार कलाम, क्या हिदायत है। नबी अकरम को बराह रास्त जब अल्लाह ताला ने ये सूरह मुबारका नाज़िल की होगी और अभी भी अलम नशरा और बार बार आप पढ़ते होंगे, जाहिर है इससे जो आपकी तरबियत मजीद होती होगी, ज़ाहिर है उसी का शानदार नमूना वो है कि जो हम आपकी सीरत में देखते हैं। ये था मेरी प्रेजेंटेशन का दूसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा ये है कि ये किरदार हमारे अंदर पैदा है, ये नरमी, ये हिम्मत, ये दरगुजर, ये जर्फ, क्या वजह है? अभी हमारे भाई ने अपनी गुफ्तगू में बहुत सी तल्ख मगर सही बातें की कि हमारे यहाँ मामला है कि दीन को बज़ाहिर इख्तियार करने के बावजूद हमारे अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार, सीरत के वो आला नमूने की झलक नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पर मैं इसकी कुछ वजूहात समझने की बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात क्या बहुत नरम थी, इसमें मैं जो बात कहना चाहता हूँ ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जब तक के आप कुरान मजीद की रोशनी में नहीं पढ़ेंगे आपको बात समझ में नहीं आएगी। वजह क्या है? वजह यह है कि वरना तो वो असल में वाकयात है, मुख्तलिफ वाकयात हुए और उन वाकयात को मौर्रखीन ने, मुहद्दिसीन ने बयान कर दिया, लेकिन वो वाकयात लिंकअप कैसे होते हैं, वो कैसे सब मिलकर उस मकसद को हासिल करते हैं कि जिस मकसद के हुसूल के लिए आप तशरीफ लाए थे। तो ये बात कि आपने नरमी की, तो इसको शायद हमारे यहाँ बाज़ दीनदार लोग किस तरह से अपने आप को मुतमिन कर लेते हैं कि आपने सख्ती भी तो की, तो आपको सिर्फ नरमी वाले वाकयात बात करें तो वो कुछ आपको सख्ती वाले वाकयात सुना देंगे कि जनाब वो यहूद और नसारा के साथ ये हुआ था और बनू कुरैज़ा के साथ ये हुआ था, तो आपको सिर्फ नरमी नजर आती है। तो जाहिर है कि इस बात पता होता है कि आप नरम थे या सख्त थे, तो पुराने मजीद से मालूम होता है कि आप नरम और आपकी असल शख्सियत नरमी। ता वक्ते अल्लाह ताला ने किसी वजह से आपको सख्ती इख्तियार करने का हुक्म दिया। मैं उसको इख्तिसार के साथ बयान करता हूँ कि उसकी वजह क्या है। हमारे दोस्त भाई ने मुझसे सवाल भी जब किया था और अभी की गुफ्तगू में वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर मैं बड़ा खुश हुआ कि इस लफ्ज़ से आप पहले से इस तरह से आगाह हैं, इत्माम हुज्जत, यानी पैगंबरों की जानिब से उनकी कौम के सामने
जब ऐलान पेश किया जाता है तो एक अरसा गुजर जाने के बाद वो मौका आता है कि जिसके बाद अल्लाह की तरफ से ये फैसला आ जाता है कि बात आखिरी हद तक वाज़ेह हो गई, देर आर नो एक्सक्यूजेस लेफ्ट व्हाटसोएवर, बात वाज़ेह हो चुकी है। अब जो शख्स नहीं मान रहा वो एक मुजरिम मुनकिर है जो अपनी जिद की वजह से नहीं मान रहा, ना कि वो गैर वाकिफ ना वाकिफ। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ये बात तय हो गई कि आपकी कौम के सामने जो आपने पैगाम पेश किया वो इतना वाज़े हो चुका है कि अब ये अल्लाह की सजा के मुस्तहिक हो गए, वही सजा कि जो पिछले रसूलों की कौमों पर भी आई, कौम नूह, कौम हूद, कौम सालेह, कौम लूत, कौम शुएब, कौम मूसा अलैहिस्सलाम, जिनका तज़किरा कुरान मजीद ने बार बार किया। जब वो डेडलाइन आ गई और अल्लाह की तरफ से ये फैसला आ गया कि अब इनको सजा मिलनी है, उस वक्त फिर अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी के बावस ये फरमाया कि या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम, ऐ पैगंबर अब आप इन मुनाफिकों और काफिरों से जिहाद करें और इन पर सख्ती करें, फमाहुम जहन्नुम, उनका ठिकाना जहन्नुम है। बड़ी ज्यादा होगी कि एक आम मुसलमान एक आम मुसलमान से या गैर मुस्लिम से बात करते हुए बदतमीजी करे और वो ये शहादत पेश करे, जबकि इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि अभी तो पहुंचाना क्या है, अभी तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो हमने बात आगे बढ़ानी है और हम वो रवैया इख्तियार करें कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का असल रवैया नहीं था बल्कि वो एक एक्सेप्शन थी जिसमें अगर ये इजाजत दे तो अल्लाह ताला को आगे बढ़कर इंटरवीन करके कहना पड़ा कि देखिए अब आप अपना जो आम आपका नेचुरल तरीका है उससे हटके आपको सख्ती करनी होगी, इसलिए सजा का मौका आ गया। इसका ऐलान सिवाय वही के कहीं नहीं हो सकता और वही का सिलसिला बंद हो गया है। अब खत्म नबूवत के बाद वही आसमान से नाजिल नहीं होगी, इसलिए मुझे और आपको तो वही करना है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर किया, सिवाय उस मौके के कि जब आखिरी स्टेज पर अल्लाह की तरफ से उनको डिफरेंटली बिहेव करने के लिए कहा। इसी तरह से आजजी के मामले में मैं देखता हूँ कि हमारी एक बहुत कोशिश होती है कि आपको सबसे सुपीरियर साबित किया जाए और हमारी तकरीरें, हमारी शायरी और मैं जाने क्या क्या कुछ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में ही फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ, कुछ बातें और आपने बयान फरमाई कि ये दूसरों के ऊपर मेरी सुपीरियरिटी के पास कहीं है। कुरान मजीद ने आप जानते हैं ये जो रसूलों के नबियों के मामले में एक दूसरे की सुपीरियरिटी है कि जिसका एक मैंने अभी आपको वाक़ा भी बताया, एक यहूदी ने जो बात की थी, ये पुरानी प्रॉब्लम चली आ गई। चुनाचे कुरान ने ये बात सहाबा इकराम को समझाई जब कि तुम्हें मालूम है कि ये तुम्हारे पैगंबर की बात क्यों नहीं मान रहे, क्या रुकावट बनी हुई है। अल्लाह ताला फरमाए इसकी वजह ये है कि तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, असल में ये वो रसूल है कि जिन्हें बाजों को हमने बाजों पर बाज मामलात में सुपीरियरिटी फजीलत दी, मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, मिसाल के तौर पर उनमें से बाज वो हैं कि जिन्होंने अल्लाह से बराह रास्त कलाम किया। तो अब जो मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला बन गया उसने उनके कलीमुल्लाह होने की बात को इतना एग्जैजरेट किया कि उसके बाद जब मसीह अलैहिस्सलाम आए तो हम इंटरेस्टेड नहीं, हम इंटरेस्टेड ही नहीं है, हम उनके इतने ज़्यादा मानने वाले हैं कि अब सवाल ही पैदा नहीं होता किसी और को माने। उसके बाद फरमाया कि ईसा ईसा ने मरियम को बैयना दी बैयत ना हो रूह अल-क़ुदस, उनको फिर रूहुल अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ मदद की और गैर मामूली मोजज़ात दिए। तो मसीहियों ने कहा कि इनके बाद कौन हो सकता है भाई, ये अल्लाह के बेटे हैं, इतना ज्यादा एग्जैजरेट किया। ये एग्जैजरेशन तो एक बीमारी थी, हमें तो इसको दूर करना था, हमें तो कुरान की रोशनी में लोगों को बताना था ये सब अल्लाह के पैगंबर हैं, ये सब अल्लाह के भेजे हुए हैं, ये सब अल्लाह के नुमाइंदे हैं, इनमें से कोई भी कमतर नहीं है, इसलिए कि अल्लाह का काम कर रहे हैं, हर एक का अपना एक रोल है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बहुत शानदार बहुत आला तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया
लेकिन जाहिर कोई बात है कि जब इंसान किसी ग्रुप से ताल्लुक रखता है, यानी एक है कि इंसान क्या मेरा फिरका सबसे आला है, मेरा मुल्क सबसे अच्छा है, मेरा खानदान सबसे बेहतर है, मेरा डॉक्टर सबसे बेहतर डॉक्टर है, मेरी क्रिकेट टीम सबसे अच्छी है, हमारे अंदर ये जज्बा। सो ये जज्बा है कि जिसकी वजह से आदमी बस जोश में आ जाता है। असल में बात यह है कि हमें दीन को समझ के उसकी हकीकत को बयान करना, इसी तरह से ईफाए अहद वादे को पूरा करना। हमने कमाल किया कि इस ईफाए अहद को महदूद कर दिया चंद चीज़ों में, वो मायदा लिखा हुआ होगा तो उसको पूरा करेंगे, वो भी पता नहीं करते हैं कि नहीं करते। बाकी ये बात कि हमें टाइम पे जाना है, इसका ईफाए अहद से कतर अपनी मर्जी से आएंगे। यानी जब आप ये कहते हैं कि मेरी और आपकी मुलाकात है 12:30 बजे, साढ़े बारह बजे का मतलब 12:30 बजे, ये अहद की पाबंदी है, ये मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा है, ये कुरान मजीद का हुक्म है। लेकिन हम इसमें डीले हो गया, उसकी वजह शायद ये है कि हम जो दीन की बातें उनके उसूल और अहकाम हैं शायद उनका इतलाफ नहीं करते, उनको अप्लाई नहीं करते, और इस वजह से वो किरदार हमें यहाँ तो नज़र नहीं आता, कहीं और नजर। यानी ये बड़ी अफसोस की बात है, आप टाइम देख के बता सकते हैं, मिसाल के तौर पर जापान में किया 12:07 हो गए हैं, मतलब 12:08 पर ट्रेन आनी थी, वो हो चुका है। बट इट्स सो श्योर सर्टन ये हमारे हैं, बट गल ही है यार 15 मिनट भी गए जिन दिन राजी हो गए। लिखा हुआ होता है कि यू आर इन्वाइटेड टू अटेंड डिनर या वट एवर रिसेप्शन एट 7:30, बट सर 7:30 का मतलब नहीं, 7:30 का मतलब 7:30 नहीं, हम मुसलमान हैं। इस कदर शर्म की अफसोस की बात है कि ये इफाए अहद और ये वक्त की पाबंदी ये हमारे अंदर नहीं है। हम अपने पैगंबर की अजमत बयान करते हैं जिन्होंने कि हमें 5 नमाजें दी थी कि नमाज वक्त पे पढ़ो, लेकिन हम बिल्कुल उलट काम करते हैं। दरगुजर माफ़ करना अल्लाह ही माफ़ करें, इसका तो कोई सवाल ही नहीं। जो मेरे फिरके से दूसरे फिरके को बिलोंग करता है वो वैसे घटिया आदमी है, और जो मेरे मजहब के अलावा किसी और मजहब से लोग रखते हैं वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको मैं इज्जत की निगाह से देखूँ और उसके बारे में मैं कोई नरमी कर रही है इख्तियार करूँ। मेरा ये ख्याल है कि ये जो नफरत पैदा हुई है इसकी वजह ये है कि हमने ये फैसला कर लिया है कि दुनिया के 75-80% गैर मुस्लिम काफिर हैं। जब आप ये फैसला करते हैं तो बाकी काम कुरान करें, इसलिए कि कुरान मजीद ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उलाएका हुम शर्रुल बरिया, वो हैवानात से भी बदतर है, तमाम मखलूकात से बदतर है काफिर। हमने कहा क्या, हमने कहा कि ऑल नॉन मुस्लिम आर काफिर, ये आपने कहाँ से कहा सर? मैं अगर आपसे पूछे कि मैं आपको बताऊंगा कि कुरान से मालूम होता है कि मुसलमानों में भी काफिर, और कुरान से मालूम होता है कि अल्लाह ने बाद गैर मुस्लिमों की इतनी तारीफ बंदा जाता है काश हमारी इतनी तारीफ हो जाए। कुरान में कोई कंट्रडिक्शन नहीं, हमारी सोच में प्रॉब्लम है, इसलिए तमाम इंसानों से मोहब्बत, नरमी, उसने सुलूक, अच्छे ताल्लुकात, ये हमारा तरीका होना चाहिए, यही हमारे पैगंबर का तरीका है। अगर आपको इस तरीके में कहीं वाकयात के बयान में कोई फ़र्क चीज़ नजर आती है तो गॉड से कुरान से पूछें। कुरान मजीद ने यह बताया है कि जब बात आखिरी हद तक वाज़ेह हो जाती है, मामले हुज्जत हो जाती है, उसके बाद आसमान से फैसला आता है कि अब ये लोग आपकी नरमी के को डिजर्व नहीं करते, भला आप जिनके बारे में खुदा ने फैसला कर लिया है कि ये अब सोमुन बुकमुन ओमजुन फाउना यरजेउन हो गए, इनके साथ आप नरमी करेंगे जिनके जानों का फैसला हो गया, तो जाहिर है अगर लगातार आपसे कहेंगे तो हमें सर्टनली नॉट। लेकिन ये फैसला मैं कैसे कर सकता हूँ? ये फैसला तो अल्लाह करेगा, इसलिए मेरे और आपका तो वही काम है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का बेशतर हिस्सा जिसमें गुजरा, क्या आपने हर इंसान के साथ नरमी का तरीका इख्तियार किया और हिकमत के साथ दावत की, ज़र्फ यूं ही नहीं पैदा हो जाता। ये कुरान मजीद की गहराई और उसको तदब्बुर से पढ़ने से पैदा होता है, और
हिकमत की बात की है कि जाहिर है कि हिकमत उस वक्त आती है जब आदमी कुरान पढ़कर ये जानता है कि अल्लाह ताला ने, आप सुनिए, अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अपना दीन नाज़िल किया और शरीयत को नाफिज़ किया, और मिसाल के तौर पर शराब की हुरमत को नाफिज़ किया। आपको मालूम है इंस्टॉलमेंट्स में, स्टेजेस में, मुख्तलिफ मौक़ों पर ज़रा मजीद सकती, और भी बहुत से अहकाम हैं, रोज़े के अहकाम में ये मामला किया गया और मामला किया गया, इसलिए कि इंसान की फितरत होती, इंसान के अंदर कमजोरी होती, इंसान को सारी चीज़ें एक साथ अगर आप डाल देंगे तो वो हो सकता है आपको खुश करने के लिए कर ले, लेकिन वो उसको सही तरह से दिल जान से कबूल नहीं करेगा। हमने एक तो ये कमाल किया कि दीन के अहकाम की फहरिस्त में इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया कि जो अल्लाह के दीन में कहीं था ही नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि युरीदुल्लाहु बिकुम युसर, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ चाहता है, वला युरीदु बिकुम उसर, और तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहता। आपको ये बात मालूम है कि सूरह मायदा में अल्लाह ताला ने ये बात बयान करवाई कि सवाल ना करो जब वही नाज़िल हो रही, ला तसअलु अन अशिया, तुम ना सवाल पूछो उन चीज़ों के बारे में कि इन तुम दल अकुम तसूर, अगर तुम पर जाहिर कर दी गई तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी, और जब कुरान नाजिल हो रहा है अगर तुम जाहिर करोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अब आप समझ गए क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने आपके कमजोरियों को, सहूलत को सामने रखते हुए एक बड़ी वर्केबल हल्की फुल्की शरीयत आपको दी है ताकि आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से रहें। आप सवाल भी ना करें जब वो शरीयत नाज़िल हो रही है, इसलिए कि उसमें अल्लाह ने जो जवाब दे देंगे वो भी शरीयत का हिस्सा बन जाए, तो इसका तो आपको क्या फायदा होगा? कहीं आपको बात समझ में नहीं आ रही, गौर करके जो बात सही लगती है उसको इख्तियार कर लें। हमने उसके नतीजे में जो उलमा ने भी बात समझी और जो उन्होंने उसको अप्लाई किया उसको भी दीन का हिस्सा बना दिया, जिसको आप फिका कहते हैं, वो इतनी लंबी चीज़ है कि जिसके बाद हिकमत कहाँ से आए, इसके बाद आप किसी को दीन समझाएंगे, दीन के तरीक लाएंगे, उसमें वो तरीक़ा कैसे इख्तियार करेंगे कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार करना। आखिरी चीज़ जो मैं बयान करना चाहता हूँ, हल में बहुत टाइम नहीं है, वो ये है कि हल क्या है, हम आगे कैसे करें, क्या तरीका इख्तियार करें कि जिसके नतीजे में हमारे अंदर उन औसाफ का कुछ शेड, कुछ हिस्सा पैदा हो कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ थे और हम अच्छे मुसलमान थे। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तदब्बुर कुरान, कुरान मजीद पर गौर करना। हम अभी डिस्कस कर रहे थे, मैं कह रहा था कि कुरान मजीद पर गौर करने का मतलब ये है, इसके दो मतलब हो सकते हैं, एक ये कि आप कुरान पर गौर करें और आपको कुछ बातें समझ में आ जाए, और आपने की तुम सब लोग इसके खिलाफ हो सारे के सारे, और एक मतलब ये है कि आप गौर करें और आपको बात समझ में आ जाए कि ये तुम इसके खिलाफ हो, तुम अपने आप को ठीक करो। यही दूसरा तरीका है कि कुरान मजीद को हम तदब्बुर के साथ पढ़ें और इसके जरिए से अपने अंदर गहराई पैदा करें। मैं सिर्फ दो आयात का आपको हवाला दे रहा हूँ। एक मशहूर आयत है सूरह निसा की आयत नंबर 82, अल्लाह ताला फरमाते हैं अफला यतदब्बरून अल-कुरान, क्या ये कुरान पर गौर नहीं करते, वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह, अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और की जानिब से होता, लवजदू फीह इख्तिलाफन कथीरा, तो इसमें बहुत इख्तिलाफ, बहुत तजाद पाते। यानी मतलब ये है कि तुम कुरान पर जब गौर करोगे तो तुम्हें ये महसूस होगा कि ये बहुत कंसिस्टेंट है। वैसे मैं आपसे गुजारिश करूँ, इब्तदा में नहीं होगा, इब्तदा में सवाल पैदा होंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन जब आप तदब्बुर करेंगे, गौर करेंगे, आपकी बात समझ में आएगी, और फिर आपको एक इत्मीनान, एक इंशरा नसीब होगा जिससे कि आपको अल्लाह की किताब पर और अल्लाह के दीन पर एतमाद हासिल होगा।